हेलो एवरीवन, मेरा यूट्यूब चैनल अशोक एजुकेशन में आप लोगों का एक बार पुनः स्वागत है। दोस्तों, मैं आप लोगों को आज की वीडियो में स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल जिला रायपुर के अंतर्गत एक ऐसी टॉपिक के बारे में बताने वाला हूं जिसके बारे में बहुत ही कम लोगों को पता होता है, या पता भी होता है फिर भी वो उनका पालन नहीं करते। तो दोस्तों, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरे यूट्यूब चैनल अशोक एजुकेशन को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप लोगों को हर तरह का नोटिफिकेशन सबसे पहले अवेलेबल होते रहे। तो दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो परीक्षार्थियों को परीक्षा देते समय किन किन बातों पर ध्यान देना चाहिए, इसी के बारे में आप लोगों को आज की वीडियो में कम्प्लीटली बतलाने वाला हूँ। तो जो हमारा फर्स्ट पॉइंट है, समय। तो समय को क्या है, परीक्षार्थियों को विशेष ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि ये क्या है, अलग अलग पोस्ट में क्या है, समय अलग अलग दिया है। किसी में आधा घंटा दिया है तो किसी में एक घंटा दिया है। तो आप लोगों को क्या करना है, जो समय है उसको क्या देना है, विशेष महत्व देना है। अर्थात समय पर, मतलब जो समय है उसको आपको मुख्य रूप से फोकस करना है। ये हमारा क्या है, फर्स्ट पॉइंट समय है। उसके बाद हमारा सेकेंड पॉइंट क्या है, OMR शीट। तो जैसे ही आप लोगों को OMR शीट मिलता है, वैसे ही आपको क्या करना है, सबसे पहले उसको केयरफुली रीड कर लेना है, एक बार दो बार। उसके पश्चात आपको क्या करना है, जो काले पेन है उसकी सहायता से आपको क्या करना है, उसको केयरफुली, मतलब आपको फिलअप करना है, और भी सही सही जानकारी आपको क्या करना है, फिलअप करना है। ऐसा नहीं कि हड़बड़ी में गलत कर दिया या उल्टा लिख दिया, मतलब आपको क्या करना है, सही सही आपको उसमें जानकारी आपको फिलअप करना है। अर्थात OMR शीट को आपको अच्छी तरीके से फिलअप करना, किसी भी प्रकार का गलती उसमें नहीं करना है। इस प्रकार से हमारा सेकेंड पॉइंट था, OMR शीट को अच्छी तरह से फिलअप करना। उसके बाद हमारा तीसरा पॉइंट है, ध्यान से रीड करना। जैसे आप लोगों को क्वेश्चन पेपर मिलेगा, उसके बाद आपको लोगों को क्या करना है, हमें मतलब जो क्वेश्चन पेपर उसको हम एक बार दो बार या तीन बार, उसको जब तक हमें समझ में नहीं आता तब तक उसको पढ़ते ही रहना है। ऐसा नहीं है कि आधा घंटा का तो आधा घंटा उसको पढ़ते रहे, मतलब उसको अच्छी तरह समझ में आ जाए, उसके बाद अपना जो क्या है OMR शीट में उसको भरना स्टार्ट कर दीजिए। मतलब जो विशेष बात यह है कि जो क्वेश्चन है उसको अच्छी तरीके से समझ में आ जाना चाहिए, उसके बाद आपका जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व करना स्टार्ट कर सकते हो। इस प्रकार से हमारा तीसरा पॉइंट था, ध्यान से रीड करना, और भी किसको, क्वेश्चन पेपर को। इस प्रकार से हमारा क्या था, थर्ड पॉइंट कंप्लीट होता है। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है उसको देखते हैं, चौथा पॉइंट क्या दिया है। तो किसी भी क्वेश्चन को मिस नहीं करना है। मान लो आप लोगों को क्या है, 20 क्वेश्चन आया तो 20 क्वेश्चन को सॉल्व करना है, 30 क्वेश्चन आया तो 30 क्वेश्चन को सॉल्व करना है, 50 क्वेश्चन आया तो 50 क्वेश्चन को सॉल्व करना है। मतलब हमें क्या, एक भी क्वेश्चन को मिस नहीं करना है। अगर आप लोग क्या कर, अगर पता भी नहीं है फिर भी उसको आप क्या कर सकते हो, तुक्का लगा कर आ सकते हो, फिर भी वह क्या सही हो सकता है या गलत भी हो सकता है, लेकिन किसी भी क्वेश्चन को आपको मिस नहीं करना है। इस प्रकार से आपका क्या है, चौथा पॉइंट कम्प्लीट होता है। उसके बाद जो अन्य है पांचवा, तो इसमें आपको काले बेल जो बाल पेन होता है उसका यूज करना है। साथ ही साथ आपको क्या करना है, आपका जितना भी डॉक्यूमेंट है, जैसे आइडेंटिफिकेशन है, आधार कार्ड है, या किसी भी प्रकार का जो आइडेंटिफिकेशन, उसको लेकर वहाँ पर जाना हम लोगों को पड़ेगा। इसके अतिरिक्त जो अन्य क्या है जो परीक्षा में उपयोगी होता है, उन सबको आपको लेकर जाना पड़ेगा। थैंक यू दोस्तों।